सब्सक्राइब करें एसी एंड डीसी बाई नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एसी एंड डीसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 एम्पियर बैटरी चार्जर की ट्रांसफार्मर के अंदर आप किस तरीके से रोटरी स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 10 एम्पियर बैटरी चार्जर की टर्न्स को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की एक वीडियो बनाई थी। और दोस्तों, इसमें मैं आपको एक रोटरी स्विच का कनेक्शन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद बची जो थोड़ी बहुत कनेक्शन होगी वो इस स्टेबलाइजर की जो मैं कंप्लीट फिटिंग बैटरी चार्जर की जो कंप्लीट फिटिंग होगी उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस ट्रांसफार्मर में रोटरी स्विच को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, यह है रोटरी स्विच जिससे मैं कनेक्ट करूंगा इस ट्रांसफार्मर के साथ। दोस्तों, ये रोटरी स्विच थोड़ी सी रखी, इसके अंदर थोड़ी सी रस्ट आ गई है, लेकिन ये रोटरी स्विच बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सीरियल में यहाँ पे चारों तरफ से टर्मिनल्स निकली हुई है, ठीक है, और एक है जो इस लाइन से बाहर है, यानी कि यहाँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी एक लाइन में है और सिर्फ एक पोल इसकी लाइन से अलग है। तो दोस्तों, ये जो पोल होती है ये होती है आपकी रोटरी स्विच की कॉमन। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके का रोटरी स्विच नहीं, किसी और टाइप का रोटरी स्विच है और आप उसमें कॉमन को नहीं पहचान रहे हैं, तो आप उस रोटरी स्विच के कॉमन को किस तरीके से पहचानेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको सिर्फ रोटरी स्विच के बारे में बताया हुआ है कि रोटरी स्विच को आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बची कि इसमें हमें इसे कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले अब हम इसमें ये तो पता चल गई कि ये रोटरी में ये कॉमन है, पर इसमें एक कौन सी है, दो कौन सी है और आठ नंबर की कौन सी है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, जैसा इस टाइप का जो भी रोटरी स्विच होता है उसमें कॉमन के जो दो नीचे पोल होता है, ये कॉमन है और इसके नीचे दो पोल जो होता है, तो जो दूसरा नंबर पोल होता है वो होता है एक नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे भी करेंगे कि ये है कॉमन तो इस तरफ तो दो नहीं, तो आप सबसे पहले आप हाथ में रोटरी स्विच को ले, ठीक है, और आप इसे घुमाएं, ठीक है। तो आप इसे जिस तरीके से घुमाएंगे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी आठ, ठीक है। मैं आपको स्टेबलाइजर की पैनल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने ध्यान नहीं दिया था और ये जो मैंने इस बॉक्स को परचेज किया इसमें ये छह मूव वाली रोटरी स्विच की यहाँ पे प्लेट बनी हुई है, तो लेकिन मैं इसमें ट्रांसफार्मर मैंने आठ लूप निकाला है और ये रोटरी स्विच भी हमारी आठ पोल की है। तो बहरहाल आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो लास्ट लूप है ये है छह नंबर पे, तो और इसमें है मैक्सिमम आठ, तो ये नीचे की तरफ है छह। और दोस्तों, अगर यहाँ पे आठ वाली भी होती तो ये नीचे की साइड आठ होती, ठीक है। तो ये अभी हमारी नीचे वाले कंडीशन पे है, यानी कि छह नंबर, और इस रोटरी स्विच के हिसाब से ये है आठ नंबर पे। और दोस्तों, जब मैं इसे बाएं साइड घुमाता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरछा है, ये यहाँ पे रुक गई, यानी कि ये है एक नंबर, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं अब इसे ये नीचे नहीं घूमेगी, तो आप ये देख सकते हैं ये है बिल्कुल तिरछी में, ये यहाँ पे रुकी है। आप जैसा अब इसे आप इधर पलटेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पोल कॉमन का और उससे दो नीचे एक और दो, ये होगा एक नंबर, ठीक है। तो ये हुई एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात और आठ, ठीक है। अब इसमें आपको इस ट्रांसफार्मर के लूप को कनेक्ट किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी जो सबसे आखिर लूप है, सबसे आखिर लूप ये है सिंगल वाली, तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे एक के साथ। आपके रोटरी स्विच की जो एक वाली पोल है उसे आप कनेक्ट कर देंगे अपने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के आखिर वाले लूप के साथ, ठीक है। तो चलिए हम इसे इस रोटरी स्विच के एक नंबर वाले पोल पे इसे जोड़ देते हैं। जैसा कि यह है कॉमन, इसके दो नीचे है, ये है एक, ठीक है, तो हम इसके ऊपर इसे टाइट कर देते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रोटरी स्विच के एक नंबर वाले पोल पे हमारी ट्रांसफार्मर की जो आखिर लूप है प्राइमरी की, उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब सेकेंड लास्ट वाले को हम कर देंगे दो नंबर पे, ये है हमारी सेकेंड लास्ट लूप और इसे हम लगाएंगे दो नंबर पोल के ऊपर। इस तरीके से दोस्तों, जैसा कि सेकेंड लास्ट है इसे मैंने दो पे लगाया और इसके बाद वाली जो होगी वो इससे पहले, और जो सबसे आखिर यानी जीरो से जो सेकेंड ये जो सेकेंड लूप है जीरो के बाद वाली ये लूप, ये चली आएगी हमारी आठ नंबर पे। सीरियल नंबर से जब हम इस तरीके से लगाएंगे, जब आप इसे इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी जो इसकी आखिर लूप है वो चली आएगी आठ नंबर वाले पे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे सीरियल नंबर पे, मैं आपको जो मैंने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की थी उस पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने रोटरी स्विच से इसे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, यह है ट्रांसफार्मर की आखिर लूप जिसे मैंने टाइट किया है अपने रोटरी स्विच के एक नंबर वाले पोल पे, ठीक है। और ये लूप है ये 275 पे, तो इसे मैं रोटरी स्विच के एक नंबर पे, यहाँ पे मैं इसे एक नंबर पे लगाऊंगा, इसे दो नंबर पे और इस तरीके से इसे तीन नंबर पे, इसे तीन पे, इसे चार पे, इसे पांच पे, इस तरीके से हम इसे जो हमारी ये है ये आ जाएगी आठ पे, ठीक है, सात और ये छह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आप इस तरीके से आप अपने रोटरी स्विच पे इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि इस रोटरी स्विच पे मैंने सारे ट्रांसफार्मर के लूप्स का कनेक्शन कर दिया है और ठीक इस तरीके से किया है जैसे कि इस ट्रांसफार्मर पे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया है। यानी कि जब मैं अपने रोटरी स्विच को आठ पे रखूंगा तो हमारी ये हुई जीरो और ये हुई आठ, तो इन दोनों के बीच अगर हम 100 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो भी हमारी यहाँ पे आउटपुट 12 वोल्ट के आसपास, यहाँ पे तो 16 वोल्ट की टैपिंग निकली है लेकिन आपको बैटरी के टर्मिनल पे 12-13 वोल्ट के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बच गई यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे एक कॉमन से वायर आ जाएगी हमारी बाहर और ये होगी एक प्राइमरी की लूप। इन दोनों में हम लाइन को इन करेंगे और यहाँ से हम इसे रोटरी को घुमाकर एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी एक लाइन तो यहाँ पे आ गई और एक लाइन बारी बारी से इन सारे ट्रांसफार्मर के लूप्स पे जाए हमारे वोल्टेज के अकॉर्डिंग, इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम एक वायर को जोड़ के और इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि इस रोटरी स्विच के कॉमन वाले पोल से मैंने एक वायर को निकाल लिया है, तो हमारी इनपुट जो सप्लाई जाएगी वो इन दोनों पोल पे जाएगी और इससे जो आउटपुट हमारी निकल रही है वो यहाँ पे निकल रही है। इससे हम सिंगल वेव रेक्टिफिकेशन के साथ भी अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और अगर हमारे बैटरी पे कोई वैसा डिजिटल उपकरण अगर चलना है तो यहाँ पे हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद कंडेंसर करने के बाद, एक सिंगल वेव रेक्टिफिकेशन करने के बाद फिर हम इसकी सप्लाई बैटरी को देंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।